और रुख करेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धार जिले के कुक्षी तहसील में एक जनसभा को संबोधित किया। सभा में वनवासियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज मैं भाषण देने नहीं आया हूं, आप लोगों के हित के पेशा नियम की क्लास लेने आया हूं। यह सभी को सशक्त बनाएगा। जल, जंगल, जमीन और खदान पर आप सभी का अधिकार है। अब शराब दुकान के बारे में आप खुद फैसला ले सकेंगे। शराब की दुकान गांव से हटाना है तो महिलाएं निर्णय ले सकेंगी। कलेक्टर की बजाय ग्राम सभा खनिज के बारे में फैसला लेंगे। बंटवारी को और जंगल के फॉरेस्ट के बीच गार्ड को हर साल ग्राम सभा मतलब पूरा गांव इकट्ठा होगा, उसके बीच में वन क्षेत्र का और गांव की जमीन का नक्शा, खसरे की नकल और पूरा डिटेल के कौन सी जमीन कौन के नाम है वो रखना पड़ेगा हर साल। कोई भी जमीन कोई के नाम हो गई तो गरीब को पता ही नहीं चलता, बहुत सालों बाद पता चलता है, तब तक देर हो जाती है। और इसलिए प्रावधान है पेशा के नियमों में कि हर साल पटवारी को बस्ता लेके आना पड़ेगा, नक्शा लेके आना पड़ेगा, बीच गांव में बिठाना पड़ेगा और पढ़ के जनता को सुनाना पड़ेगा।